हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। भी LIC EDU प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और अब मेंस है आपका, तो मेंस से रिलेटेड कुछ डाउट्स जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स को, इस वीडियो में हम वन बाय वन सारे डाउट्स देखेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो क्या हम तुक्का भी मार सकते हैं या नहीं मार सकते, दूसरा सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग कैसा रहेगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको प्रीवियस जो 2019 में जो पेपर हुआ था उसका अगर मेमोरी बेस्ड पेपर देना है जो 11 अगस्त 2019 में हुआ था, तो मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ गाइडली की, वो जाकर जरूर देना ही है आपको, क्योंकि अगर वो देंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस पेपर कैसा आया था और वैसा सिमिलर पैटर्न अब इस बार आ सकता है। उसके अलावा गाइडली और मॉक टेस्ट भी लेकर आया है, दो मॉक टेस्ट रहेंगे, एक 17 और 18 को आप दे सकते हैं और एक 19 और 20 को दे सकते हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, तो वहां पर जाकर आप ये मॉक टेस्ट और स्पेशली मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर देकर देखें। अब हम बात करते हैं इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, इसमें तीन ही सेक्शंस रहेंगे, तीन सेक्शंस में कोई भी इसमें सेक्शनल टाइमिंग अलग अलग नहीं रहेगा, ओवरऑल 2 घंटे का पेपर रहेगा, तीन सेक्शंस रहेंगे। अब तीन सेक्शंस में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो सेक्शनल कट ऑफ रहेगी और जो सेक्शनल कट ऑफ है वो बाद में फिक्स करेगा LIC, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था उसमें जो भी लोगों ने RTI लगाई थी और जो कट ऑफ आई थी, तो उससे इतना तो समझ आ रहा है कि आपको 50% मार्क्स तो लाने ही है, हो सकता है कम भी हो जाए, डिपेंड करता है पेपर कैसा रहेगा इस बार, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार जो फिक्स एक सेक्शनल कट ऑफ रखते हैं ना, जैसे RBI भी रखता है, तो वो हो सकता है कि जो प्रीवियस टाइम रखी हो वो रिपीट कर दे, तो प्रीवियस टाइम ऐसा था कि 26 मार्क्स अराउंड सेक्शनल कट ऑफ गई थी, तो 50 मार्क्स का एक रीजनिंग और न्यूमेरिकल आएगा, 50 मार्क्स का आएगा GK करंट अफेयर्स और इंग्लिश लैंग्वेज, और 60 मार्क्स का आएगा इंश्योरेंस वाला पार्ट, तो आपको ये कोशिश करनी कि आपको कम से कम 50 में से 25 नंबर तो दोनों में लाने हैं मॉक टेस्ट में। एक बार ये भी बताइएगा कि ये जो मॉक टेस्ट मैंने लिंक बताई है आपको, इसमें आपके कितने स्कोर आ रहा है, कितना परसेंटेज बन रहा है, वो भी आप कमेंट में जरूर शेयर करना। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग को लेके मैंने एक लाइन पढ़ी नोटिफिकेशन में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये तो हमें क्लियर है, नो नेगेटिव मार्किंग ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे एक और चीज लिखी हुई है कि इट इज एडवाइज्ड नॉट टू मार्क आंसर्स थ्रू रैंडम गैसिंग, मतलब ये लिखा है कि रैंडम गैस करके आपको नहीं मार्क करना है, तो इसका मतलब हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे या बाद में कुछ ऐसा हो जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन है, पहले मैंने भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी मैं नोटिफिकेशन पढ़ रही थी तो मुझे ये लाइन दिखी कि आपको रैंडम गैसिंग करके मार्क नहीं करना है, तो जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो क्यों ऐसा लिखा है उन्होंने कि रैंडम गैसिंग करके आपको नहीं करना है, आप अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब तो हम कुछ भी तुक्का मार सकते हैं ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसा लिखा है तो इसका मतलब कुछ हो भी सकता है कुछ ना भी हो सकता है, हम इतना इंटरप्रेट नहीं कर सकते इस लाइन से, लेकिन ये कि अगर आप गैस भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के गैस करें, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके लगा दिया कि बस हाँ इसमें से कुछ सही हो जाएगा, हर बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंश्योरेंस वाला पार्ट हो गया, GK वाला पार्ट हो गया, इनमें तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है कि हाँ कौन सा 2 में से 1 सही हो सकता है, तो वो आप लगा सकते हैं, उसे रैंडम गैसिंग नहीं कहेंगे, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है जो आपने लिया कि हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन जो अब बिल्कुल ही आपने छोड़ दिया, अगर आपका टाइम ही कम पड़ गया या आपने सोचा बस जो छोड़ के उनको तुक्का मार दो, तो ऐसा नहीं भी करेंगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसको अगर हम देखते हुए चले तो आई होप अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इससे रिलेटेड हमने काफी सारे टॉपर स्टॉक अपने चैनल पे डाले हुए हैं, 3 टॉपर स्टॉक के, अगर किसी को LIC EDU की जॉब कैसी होती है, बहुत नेगेटिविटी स्टार्टिंग से इस जॉब को लेकर है, तो अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट आ रहा हो, जिन लोगों का प्रीलिम्स निकल गया है कि क्या करें, मेंस की तैयारी करें कि ना करें, या मेंस कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम देने ही नहीं जाते हैं, तो एक बार वो वीडियो जरूर देखना टॉपर स्टॉक के, उससे आपको इस जॉब के बारे में और अच्छे से पता चलेगा, मैं उनका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में शेयर कर रही हूँ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।